चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने प्रॉपर्टीज की थी, आपने प्रॉपर्टीज नंबर 4-5 तक मैंने एक्सप्लेन किया था। इट वाज अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हमने एपी में लेनी है, अगर आपने एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है तो आपको ये बताया था मैंने कैसे लेनी है, लास्ट हमारा ये था। फिर इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है तो वो कैसे लेनी है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। फिर उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि आप उन प्रॉपर्टीज को यूज करके कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 4 या 5 तक हमारी प्रॉपर्टी हुई थी। अब आगे प्रॉपर्टी नंबर 6 ले लीजिए। 6 हालांकि ये अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड है, लेकिन अभी आप यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करिए, फिर मैं दोबारा से इसको एएम में आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि कैसे ये पॉइंट होता है। तो अगर आपके पास एपी है, 7 हो गई थी, चलिए 8 लिख लीजिए इसको। आपने अलग अलग पॉइंट बना दिया होंगे तो 8 लिख लीजिए इसको। तो यहाँ पे वो एक दो दो पार्ट है, जैसे आपको ऑड बताया है, इवन बताया है, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स आपने अज्यूम करनी है, वो दोनों का ए भी पार्ट बना लो क्योंकि ए ही पॉइंट है उसके अंदर में। अब देखिए इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर हमारे पास नंबर जो है वो एपी में है, अगर इन एपी A1, A2, AN इस तरह से है, ठीक है, तो आपने कोई टर्म बीच में से कोई भी लेनी है। इट्स नॉट AN, AN प्लस 1, थोड़ा और आगे चलाते हैं इसको, AN प्लस 2 एंड सो ऑन। तो AN आपके पास हम ऐसे लिख सकते हैं, AN प्लस K, AN माइनस के डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और आपके पास ऑफ कोर्स जो के है वो लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए, के जो है वो छोटा नंबर होना चाहिए एन से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ए एन आप इसमें से कोई भी उठा लीजिए, नंबर कोई भी नंबर उठा लीजिए। हाँ, तो मैं आपको ये पॉइंट बता रही थी कि इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हो रहा है, इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हो रहा है कि अगर आपकी कोई भी टर्म है, इनमें से आप कोई भी टर्म ले लो, A5 लेना चाहते हो, A7 लेना चाहते हो, कोई भी टर्म ले लो। सपोज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आपको दिखाने के लिए, मैंने सपोज यहाँ पर A7 के बारे में सोचा है, तो अगर मैं A7 प्लस 2 कर दूँ और A7 माइनस 2 कर दूँ और डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ, तो आपके पास वापस A7 ही आ जाएगा। कैसे हो रहा है ये एक बार देखते हैं, देखो ठीक है, A9 हमारे पास क्या होता है, A5 हमारे पास क्या होता है, डिवाइडेड बाय आपने क्या लिखा, ठीक है। तो क्या चीज आपने ऑब्जर्व करी, एक मिनट अभी बता रही हूँ, पहले आप सुन लीजिए, पहले पूरा कंप्लीट देखिए इसको। K जो है वो कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स हम आगे लेना चाहते हैं, तो ये A+60 हो गया। देखिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि इनमें से कुछ भी एपी के अंदर कोई भी नंबर है, चलिए मैंने इसमें A7 लिया है, A7 चाहा है ना यहाँ पर, A7 आपके पास। अब A1, A2, A3 ये A7 है, ये A8 है, A9 है, A10 है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपको A7 चाहिए, तो अगर आप A7 की बजाय आपके पास ये दो टर्म, सपोज आपके पास A9 दे रखी थी और आपके पास दे रखी थी A5, देख रहे हो 7 माइनस 2 और 7 प्लस 2, मतलब ये दोनों आपके पास टर्म्स दे रखी थी, लेकिन A आपको चाहिए थी A7, तो अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, ये चीज आपको आइडिया है क्या कि कोई भी टर्म उठा लो एपी के अंदर, हम कोई भी टर्म उठा लें, ठीक है, और किसी जितनी आगे पोजीशन पर टर्म है उतनी ही अगर पिछली पोजीशन पर जो टर्म है उन दोनों को उठा के उनका हम एवरेज ले लें, अरिथमेटिक मीन ले लें, तो हमें वापस वही टर्म मिल जाती है। क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सपोज A5 आपके पास टर्म किसी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, A9 भी दे रखी है, और वो आपसे A7 मांग रहा है, क्या मांग रहा है, A7 मांग रहा है, तो आप ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि 7 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और 7 में 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली A9 और A5 का एवरेज ले लीजिए। एक्चुअली देखो एक में होता क्या है, हो तो एक कांस्टेंट नंबर ऐड रहा है, तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 2d ऐड हो जाएगा। A7 का क्या मतलब है, यही तो मतलब है, A9 का क्या मतलब है A+8d। इसी तरह से A5 है, यहाँ पर क्या हो रहा है, A+4d। तो जब आपने इसको ऐड किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 2a+12d। तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड ही हो रही है,
और यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि ये पोजीशन पर ये सेवंथ इसकी पोजीशन है, एट्थ इसकी पोजीशन है, नाइन्थ में मतलब एट्थ पोजीशन पर, सेवंथ पोजीशन पर हम पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हमें ए सेवन निकालनी है तो ए फिफ्थ पोजीशन और ए नाइन्थ पोजीशन, मतलब सेम डिस्टेंस पर। ए सेवन से अगर आप चार स्टेप आगे देखना चाहते हैं, मतलब आप इलेवेंथ टर्म आगे लेते हैं तो फिर पीछे भी चार टर्म लेंगे। हाँ, के जो है हमेशा लेस देन, ऑफ कोर्स आप अगर अगर आप देखना चाहते हो तो आपको पीछे वाले टर्म्स भी तो चाहिए होंगी ना। अगर सपोज मैं एपी शुरू कर रही हूँ ए वन से, एपी शुरू कर रही हूँ, चलिए मैं ए फाइव से शुरू कर रही हूँ कि मेरी ए ये आपके टर्म है, पीछे की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए ना, तभी तो आप इससे पीछे वाली और आगे वाली टर्म का गैप जो है उन दोनों को मेंटेन करते हुए नेक्स्ट वाली टर्म, सपोज मुझे ए छोड़ के लेना है, मैंने यहाँ पे ले लिया ए सेवन ले लिया और यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए सेवन है यहाँ पर आएगा ए थ्री, ए थ्री और ए सेवन का एवरेज जो आप लोगे तो वो ए फाइव आएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है इसकी कि अगर इसका फायदा ये है कि आपके पास सिंपली कोई, जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया कि इसके अंदर उसने सिंपली ए सेवन पूछी आपसे, है ना, यहाँ पर ए सेवन पूछी तो, लेकिन आपको उस ए सेवन दे नहीं रखी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेवन से दो अगली टर्म आपके पास पड़ी है, ठीक है, ए नाइन आपके पास है, फिर आपके पास ए फाइव भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली फॉर के लेस देन इक्वल टू एन, इट्स एन बचे, एन जिस टर्म के बारे में आप बात कर रहे हैं, के लेस देन इक्वल टू एन, बताइए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। हालांकि ये कंसेप्ट अर्थमेटिक मीन का ही है, देखो आप क्या कर रहे हो, दो टर्म्स आगे चल रहे हो, दो टर्म्स आप छह टर्म्स आगे लो, छह टर्म्स पीछे लो, हाँ के कोई भी नंबर ले सकते हैं लेकिन आपकी एपी में होना चाहिए, है ना, एपी में वो टर्म होनी चाहिए। सपोज आपने एपी लिखी हुई है वन से लेकर हंड्रेड तक, आप के लेकर चल रहे हो 105, फिर इसका मतलब आपको एपी को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम करके रहे हैं कि इसमें मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा क्या पॉइंट मैंने आपको बताया, कि अगर आपको ये, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक क्वेश्चन दे देती और उसमें ए नाइन टर्म दे देती, ए फाइव टर्म दे देती, आप ए सेवन निकाल लेते, है ना, हाँ, तो आप इस ए सेवन को निकाल लेते, कैसे, ए प्लस डी वाले फॉर्मूले आपको आते हैं लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्म है, ये आपको हेल्प करता है, लेकिन आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपको ये पॉइंट देखना है कि सेवन से कितने भी आगे हो, अगर फोर टर्म्स आगे लेती मैं, मतलब मैं इलेवन टर्म लेती तो फोर टर्म मुझे पीछे लेनी पड़ती, मतलब ए थ्री, फिर मैं ए थ्री प्लस ए इलेवन का हाफ करके जो निकालती वो फिर से ए सेवन आता, ठीक है। तो ये पॉइंट है, तो फिर बेटा a प्लस डी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है राघव, वो तो फिर देखो ये तो एक ऑप्शन है, ये एक शॉर्टकट है कि अगर क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे जाए तो हम डायरेक्ट यूज कर लें, ठीक है। बाकी आप जो मैंने आपको क्या आप चीज बोली है, यही बोली है कि ये तो आप निकाल नहीं सकते थे कि अगर आपको क्या दी हुई है, ए नाइन दी हुई है आप फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस ए डी, ए फाइव दी हुई है उसका फॉर्मूला लगाते, दोनों को सॉल्व करते तो रिजल्ट आ जाता, ठीक है ना। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में बच्चे यही है कि किसी उसकी टर्म जो है ए नाइन है, ये एग्जाम्पल ही तो है, ठीक है, स्टेटमेंट की फॉर्म में एग्जाम्पल चाहिए, हाँ? सबसे सिंपल एपी ले लो, कौन सी है सबसे सिंपल एग्जाम्पल, ये एपी है, ठीक है, कुछ भी उठा लो, इसमें सिक्स चाहिए, कैसे करोगे, कोई भी दो टर्म आगे की, उसके आगे की और पीछे की, ठीक है, उठा के देख लो। सपोज मुझे ये सिक्स है, देखो ये ए सिक्स भी है बाई चांस और ये एग्जाम्पल भी है, अब ए एट लोगे ना, दो आगे की ली, सिक्स प्लस टू सिक्स माइनस टू, देखो क्या आएगा, ये देखोगे तो पीछे वाला एक स्टेप छोड़ के ये आपके पास आ जाएगा ए फोर, दोनों को एड करो, दोनों को एड करोगे बच्चे तो क्या आएगा, ट्वेल्व, ट्वेल्व का हाफ लोगे तो क्या आ जाएगा सिक्स, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। इसी तरह से किसी भी एपी के अंदर, जो भी आपकी एपी है ना, उसके अंदर अगर आप ये रिजल्ट चाहो तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप ये चीज अंडरस्टैंड कर सको क्या कि ए नाइन जैसे उसने कहा और ए फाइव ये आपके पास अवेलेबल है ए सेवन के लिए, या फिर मैं कहूंगी ए इलेवन और ए थ्री, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई इवन ऑड का गैप नहीं है बच्चे, आप जितनी आपकी मर्जी है, बस ये याद रखना कि उस टर्म से आगे वाली जितनी टर्म है, जितनी पोजीशन पर टर्म है उतनी पीछे वाली पर भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर एट, बहुत कम यूज होगी जब क्वेश्चन डायरेक्ट दिखाई देगा
तब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एपी की। देखिए इसमें मैं क्या बताऊंगी कि एपी के अंदर आपके पास क्या है कि अगर हमारे पास ये एपी है A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन AN, ठीक है। अब देखो आपने क्या देखा कि कोई एक टर्म चाहिए थी, जितने नंबर आगे जितनी पोजीशन आगे एक टर्म थी उतनी पोजीशन पीछे एक टर्म थी, दोनों का एवरेज लेकर वापस वो आपके पास टर्म आ गए, एक स्टेप आपने ये देखा। हम एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करिए जरा, एक बार चेक करें क्या बनेगा। फर्स्ट टर्म आपकी ए होगी, लास्ट टर्म आपकी क्या होगी बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगी, ठीक है। इसी तरह से ये आपके पास आ गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये चीज देखिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पे ए टू प्लस ए एन माइनस वन, पहले देखिए ये क्या क्यों कर रही हूँ मैं अभी बताती हूँ। मैंने फर्स्ट टर्म उठाई और लास्ट टर्म उठाई, फिर मैंने सेकेंड टर्म उठाई और सेकेंड लास्ट टर्म उठाई, फर्स्ट और लास्ट। या मैं ये कहना चाहूंगी कि द बिगनिंग सेम नंबर ऑफ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड फ्रॉम द एंड, अभी वो आ रहे हैं उसपे। पहले अभी आप एक एक टर्म लेकर देखिए इसको, ठीक है। तो पहले ए वन प्लस ए एन उठाया मैंने, तो ये आ गया आपके पास। अब जब मैंने ए टू और ए एन माइनस वन लिखा है तो ये आपको पता है ए प्लस डी, और ये आपको पता है ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देख रहे हैं। अब देखिए मैंने तो ए वन और ए एन कैलकुलेट किया था, रिजल्ट क्या आया, ये रिजल्ट आया। सेकंड देखिए ए टू प्लस ए एन माइनस वन, तो ये रिजल्ट आया। इसी तरह से आप बीच में कोई भी टर्म उठा लीजिए, लेकिन सिमेट्रिकली पीछे से भी उतनी ही टर्म उठानी है। मतलब अगर मैं ए फोर उठा रही हूँ तो उसका मतलब यहाँ पर मैं क्या लूंगी ए फोर, मतलब ए थ्री अगर हम उठाते हैं तो यहाँ पर ए एन माइनस टू उठाएंगे, अगर हम ए फोर उठा रहे हैं तो यहाँ पर एन माइनस थ्री उठाएंगे। आप सबको ऑब्जर्व करके देखिए, यही सम आएगा, सेम सम विल गेट, यू द सेम विल गेट हियर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही चीज आपको मिलेगी। यहाँ पर भी यही चीज मिलेगी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि हाँ ये प्रॉपर्टी होती किसमें है कि जब ये दीज आर इन एपी, एपी की सीक्वेंस की प्रॉपर्टी है। तो अब आपको ठीक है क्वेश्चन की हेल्प से मैं इस चीज को और एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। पहले बताइए ये समझ आया कि नहीं आया, यहां तक क्लियर है, अगर आपको डाउट है तो पूछिए। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ, अभी इसको कैसे यूज करना है, आपकी बुकलेट में कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, भी चैट बॉक्स में आप इतना कुछ डाल रहे हैं बेटा मैं तो पढ़ा ही जा रही हूँ, ओके क्लियर है। गैप इवन ऑड का कोई चक्कर नहीं है आपका, जितना मन है जितने स्टेप आप आगे चलेंगे उतने स्टेप आप पीछे चलेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, जिस स्टेप पर जाकर आप खड़े होते हैं आगे और पीछे चलने से तो वापस आप उसी स्टेप पर आ जाएंगे जहां पर जहां से आप चले थे, ठीक है। एक चीज आपने ये ऑब्जर्व करी एपी के लिए, इसमें एक मैंने क्या बताया कि आपकी एपी है जितनी भी एपी दे रखी है फर्स्ट और लास्ट का जो है सम इक्वल टू सेकेंड और सेकेंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, इस तरह से हमारा ये एपी का रिजल्ट है। कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये हेल्प करता है, देखो अच्छा लिखो एक स्टेटमेंट लिखो, लिखिए इफ ए वन ए टू, स्टेटमेंट लिख लीजिए इसको, इफ ए वन ए टू एंड सो ऑन टिल ए ट्वेंटी नाइन, टिल ए ट्वेंटी नाइन, आर इन एपी, ठीक है एपी में यही। अब उसके बाद वो कहता है सच दैट, ये कंडीशन दे दी उसने, सच दैट उसने दिया है ए वन ए थ्री ए ट्वेंटी सेवन ए ट्वेंटी नाइन, दिस इज इक्वल टू 48,
function is find all the terms, all the means sum of terms of this AP. ठीक है, find sum of terms of AP. एक बार ट्राई करिए, देखिए जो चीज मैंने आपको बताई है क्या आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें. ठीक है बच्चे, वेरी गुड, अच्छा है. अब देखिए इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं तो आपकी ये प्रॉपर्टीज यूज हो जाती हैं. कैसे यूज होती हैं? अब जिन्होंने किया है ऑफकोर्स उन्होंने प्रॉपर्टी ही यूज की होगी. अब देखो जब हम एपी के क्वेश्चन जब पीछे आप करते आ रहे हो 9th 10th में, तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी. आपको आपके दिमाग में आता है कि ठीक है हमें ए मिलना चाहिए, हमें डी मिलना चाहिए. लेकिन अब यहाँ तो हमारे पास बच्चे एक ही इक्वेशन है. अगर आप इसकी वैल्यूज भी पुट करते हो A1, A3, A27, A29 है ना, इसकी वैल्यू भी आप पुट करते हो तो भी आपके पास एक ही इक्वेशन आएगी. दो वेरिएबल निकालने के लिए कम से कम दो इक्वेशन तो चाहिए, ये बात आप समझते हो. तो इसका मतलब ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला इस क्वेश्चन के अंदर कि हाँ हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या हमें डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे अब इसके अंदर भी इसके सबस्क्रिप्ट देखो. अब जो मैंने आपको बताया था उसके केस में जब हमने ऑब्जर्व किया था, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो ये चीज, तो मैंने आपको ये बताई थी A1 plus An है ना, दिस इज इक्वल टू A2 plus An minus 1. This is equal to, आपने स्टार्टिंग से और लास्ट से इकट्ठी इक्वेशन उठाई थी. तो आप देख रहे हो इनके सब इसके सबस्क्रिप्ट का सम कितना आ रहा है, एन प्लस वन आ रहा है. सबस्क्रिप्ट का पोजिशन का एन प्लस वन आ रहा है, इसका भी कितना आ रहा है, एन प्लस वन आ रहा है, इसका भी कितना आ रहा है, एन प्लस वन आ रहा है. इन सब के जो पोजीशन के हैं वो n+1 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 आ रहे हैं. इसका मतलब अब इसी चीज को मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ. कैसे? देखिए यहाँ पर आपके पास a1 है और a29 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 27 है और 3 है. इनको इकट्ठा कर लीजिए तो इसका मतलब a1 a29 a3 a27 इकट्ठा कर लेते हैं, ये आपके पास 48 आ गया. अब एक बात बताइए क्या मैं ये लिख सकती हूँ a1 plus a29 दिस इज इक्वल टू A3 plus A27. ये थी ना स्टार्टिंग और लास्ट टर्म है. आप देखिए A1 और A29 स्टार्टिंग की और लास्ट की, और उसके बाद आपने A3 उठाई, मतलब आगे से आपने थर्ड टर्म उठाई तो पीछे से भी आपने थर्ड उठाई. ठीक है तो बस ठीक है, अगर ये हो गया तो आपका काम बन गया. क्यों? क्योंकि मैं इस चीज को भी आई कैन राइट A1 plus A29 मैं लिख सकती हूँ. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैन आई राइट A1 plus 29 का 12, दिस इज इक्वल टू 48. A1 plus A29 आपके पास हो गया 24. उसने क्या मांगा था आपको पता है, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है, दिख गई आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म सभी बच्चों को दिख गई होगी. तो अब अगर हमें सम निकालना है दैट मीन्स आई वांट टू कैलकुलेट S29, फॉर्मूला लगाइए कौन से वाला, ए और डी वाला मत लगाइए, फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला लगाइए. देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 29/2 into 24. बताइए कितने बच्चों को क्लियर हुआ ये, कोई मल्टीप्लाई कर लेना 384 आएगा शायद. भैया अगर किसी को डाउट है तो वो चैट बॉक्स में भेज दे, अगर उसे लग रहा है कि मुझे रिपीट करना चाहिए. अगर आप में से किसी को लग रहा है कि रिपीट करना चाहिए लास्ट सेकंड्स, ओके ये वाला स्टेप. अच्छा एक बात बताइए सम क्या होता है बच्चे, सम उसने बोला था फाइंड द सम ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी, उसने ना ए दिया था आपको ना डी दिया था और सम मांग रहा है आपसे, ऐसा है ना, ना तो आपको ए दे रहा है ना डी दे रहा है और सम मांग रहा है. तो इसका मतलब मैंने आपको भी समझाया कि वो तो चलेगा नहीं क्योंकि ये एक ही इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन से वेरिएबल जो है वो नहीं निकल सकते दो. तो अब हमने क्या किया, सम का फॉर्मूला लगाया S n n/2 a+l. लिखा था ना कल ये फॉर्मूला मैंने जहां पे सम लिखा था, मैंने कहा था एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, और ये भी बताया था क्यों आती है ये एल. ठीक है तो अब देखिए क्लियर हुआ, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा A1, लास्ट टर्म क्या है 29. अब यहाँ पर देखिए ये आ चुका है हमारे पास A1 plus A29 कितना है 24.
तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, ना हमने ए निकाला ना हमने डी निकाला, लेकिन हमें ये रिजल्ट गिवन था। तो जब भी ऐसे रिजल्ट गिवन हो तो तुम ये चीज नोटिस करो कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, वो मैंने आपको बता दिया। हाँ ये देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबस्क्रिप्ट का सम, सबस्क्रिप्ट का सम जो है वो सेम आ रहा है। ए वन और ए 29, 1 और 29 30 बन रहे हैं, 3 और 27 30 बन रहे हैं। इसका मतलब वो कहाँ से जा रहा है, स्टार्टिंग से और बिगनिंग एंड से, स्टार्टिंग और एंड से सेम टर्म्स उठा रहा है, और उन दोनों का सम जो है वो हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आपस में भी बराबर है। बताइए क्लियर है ये? ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, आपकी ये प्रॉपर्टीज थी कि ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए जिससे कि क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है, इजी हो जाता है। बाकी ये तो आपको पता ही है कि जब एपी आपके पास है आप सम निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, दो एपी दे रखी है, कंसिडर टू एपी, ये भी टाइप इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब जो पॉइंट्स हम यूज कर रहे हैं ये आपने टेंथ में जो है यहाँ पर नहीं पढ़े हैं, टेंथ में पर बेसिक आपने ऑलमोस्ट सारे कर रखे थे, आपको आइडिया था कि हाँ ऐसा होता है, आपको पता था कि एक नंबर कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो नई एपी बन जाएगी, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस आएगा कि जो नई एपी आएगी उसका कॉमन डिफरेंस भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ चीजें हमें पता थी, कुछ हमने अभी सीखी है, ये दो पॉइंट जो मैंने आपको आज बताया वो शायद आपने नहीं देखे होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट में मैंने आपको कहा कि दो एपी दे रखी हैं, फर्स्ट एपी ले लीजिए 2, 7, 12, 17 एंड सो ऑन, इसके बच्चे उसमें दे रखी हैं 500 टर्म्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो दे रखी है ये है आपके पास दो ए। ठीक है, उसने कहा है क्या फाइंड करना है आपने, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आपने एड फाइंड करनी है एंड फाइंड द लास्ट कॉमन टर्म। करो एक बार ट्राई, देखिए इसमें क्या है, देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है कि फर्स्ट कॉमन टर्म तो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट कॉमन टर्म जो है वो 22 है, पर दोनों की कॉमन टर्म चाहिए। अब एक कंसेप्ट आपने पढ़ा था उससे पहले, पहले ये देखिए मैं फर्स्ट जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख रही हूँ 5, सेकेंड एपी का हम कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं 1 और कैपिटल डी से 7। ठीक है, देखिए समझ आ गई आपको ये बात कि नहीं आई। अब देखिए क्या हो रहा है, अब आप खुद समझ आ रहे हैं, एक पॉइंट सोचिए कि जैसे हम 5 का टेबल पढ़ते हैं 7 का टेबल पढ़ते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो 5 और 7 दोनों में कॉमन आती हैं, है ना। तो आप 5 का टेबल एक बार पढ़कर देखें और 7 का टेबल पढ़कर देखें, तो आपने एक कंसेप्ट यूज किया था एलसीएम और एचसीएफ का 10th क्लास में, एलसीएम का भी किया था और एचसीएफ का भी किया था। एलसीएम का मतलब क्या होता है, हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। आप आपको ये चीज पता है ना कि तो जो दोनों की कॉमन टर्म होगी 5 और 7 की, दैट मींस 35, 35 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो यहाँ पर आएंगे। क्यों आएंगे यहाँ पर, क्योंकि अब आप यहाँ से ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है, और दोनों ही आपस में तो कंपोजिट, आपस में को प्राइम है, 5 और 7 के बीच में कॉमन फैक्टर है ही। ठीक है, तो इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो वो एलसीएम आपके पास क्या होगा, 35 होगा। वो एलसीएम 35 के बाद ही रिपीट करेंगी ना, क्योंकि वो 7 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, नंबर 7 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। या फिर आपने इस तरह के क्वेश्चन किए थे कि सपोज एक बेल बजती है फर्स्ट क्लास के अंदर इतने बजकर इतने मिनट पर, और दूसरी बेल बजती है तो वो कितने टाइम बाद दोबारा सेम टाइम पर बजेगी, इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, हाँ और एग्जांपल ले लीजिए। हाँ आपने एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था आपका कि सपोज यहाँ से दो लोग चले, सीमा ले लेते हैं और रीटा ले लेते हैं, दो लोग चले यहाँ से, है ना। अब वो रीटा जो है उसकी कुछ स्पीड दे रखी थी, सपोज वो यहाँ पर या
फर्स्ट को कवर करके 10 मिनट में पहुंची और सीमा जो है वो 12 मिनट में पहुंची, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, अब वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वो दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा कब मिलेंगे। अब हम एक बात बताओ, 10 मिनट में रीटा पहुंच गई, 12 मिनट में सीमा पहुंच गई, तो दोबारा कब मिलेंगे आफ्टर दिस टाइम? मतलब इनसे बड़े नंबर होंगे ना, 10 और 12 से कोई बड़ा नंबर होगा जहां पर वो जाकर मिलेंगे, क्योंकि 10 मिनट में तो उसने एक चक्कर पूरा किया, उसने 12 मिनट में किया और स्टार्ट सेम लाइन पे किया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले चक्कर में मिल जाए, सेकेंड राउंड के अंदर मिलेंगे वो जाकर। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, बड़ा नंबर चाहिए होगा। जब भी हमें बड़ा नंबर चाहिए होता है तो हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम कैलकुलेट करना होता है। ये कंसेप्ट हम यहाँ पर, अब जो 5 का गैप है यहाँ पर और 7 का है, तो 5 मिनट में कोई चीज पहुंच रही है, 7 मिनट में पहुंच रही है, तो फिर दोबारा दोबारा वो आगे कहाँ मिलेंगे, जहां पे वो 35 के मल्टीपल होंगे सारे, 35 मिनट्स के बाद मिलेंगे। जैसे मैंने यही बात, सेम चीज यहाँ पर हमारी अप्लाई होती है। या आप इस तरह से सोच लीजिए कि हमें कौन सी कॉमन टर्म्स मिलेंगी जिसको 5 भी डिवाइड कर रहा है, एज वेल एज नहीं बेटा 22 के बाद 70 तो तब आएगा ना, अगर आपकी टर्म 35 आती तो 35 तो कॉमन डिफरेंस है, 22 स्टार्टिंग टर्म है। अब 22 में जब आप 35 ऐड करोगे, 35 ऐड कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 57। समझ गए, 22 के बाद 57 पोजीशन पे। अब 57 एक ऐसा नंबर है हाँ जो कि इन दोनों उसके अंदर कॉमन होगा। हम 5 और 7 के मल्टीपल नहीं देख रहे, हमें 5 और 7 से हमें ये पता चला कि कौन सी पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन के बाद। हाँ, अब इसमें फिर से 35 ऐड कर दीजिए तो आपके पास ये जो टर्म आई, ये जो सीक्वेंस बनी वो नई बन गई, ये नई एपी बन गई, जिसके अंदर आपके पास क्या आएगा, कॉमन टर्म्स आएगा। जो कॉमन टर्म्स आपकी, सिर्फ कॉमन टर्म्स निकाल कर हमने एक नई एपी बना ली। तो 22 से हमने स्टार्ट किया था, 35 ऐड करते जाइए तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ तक बताइए, क्लियर है? आप ऐसे क्वेश्चन करते थे, देखिए वहां पर भी आप करते थे कि 2 के मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल हैं, 3 2 से डिवाइड हो रही है, सीरीज 3 से डिवाइड हो रही है, तो ऐसे नंबर लिखे जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते थे, एलसीएम ले लेते थे। तो वही चीज यहाँ पर है, वही चीज जो है आप यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहली टर्म जो कॉमन आई है वो 22 आई है, फिर उसके बाद आपके पास दोनों के एलसीएम से जो नंबर आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, क्योंकि आप बेशक करके देख लो। ठीक है, ठीक है, चलिए यहां तक समझ आया, यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद अब देखिए इसकी लास्ट टर्म कैलकुलेट करिए जरा, फर्स्ट वाले की लास्ट टर्म टी एन, ये हमारे पास थर्ड एपी है, दिस इज अ न्यू रिक्वायर्ड एपी। 22 से शुरू होती है, सारे कॉमन है, ये टर्म इसमें भी मिलेगी, आप कैलकुलेट करके देख लो कौन सी पोजीशन में मिलेगी वो आप निकाल सकते हो, ये टर्म इसमें भी मिलेगी आपको पता है। अब देखिए ये टर्म हमारे पास आ गई, अब जब हम इसकी एंड टर्म देखेंगे टी एन टर्म, अब कॉमन नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स है, पहले तो इसकी एंथ टर्म देखो, एंथ टर्म इसकी हो जाएगी, एंथ टर्म मतलब 500 टर्म है ना, टी 500 निकाल लो, तो ये सीधा लिख लेते हैं, ये मेरे ख्याल से 2497 आ रहा है, ठीक है, स्मॉल के लिए स्मॉल से नोट कर रही हूं मैं, स्मॉल टी से। अब कैपिटल टी, टी 500 निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चे, तो उसके अंदर आपके पास टर्म निकालोगे तो ये आएगी 2094। यहां तक समझ आया? अब ये देखो, अंडरस्टूड है कि ये टर्म जा रही है 500 टर्म का, कोई इतना बड़ा नंबर आ रहा है 2497 और यहाँ पर आ रहा है 2094, तो कॉमन टर्म्स जो हम लिखेंगे लास्ट तक वो तो इससे छोटी होंगी ना, ये हो सकती है, इससे छोटी हो सकती है, ठीक है बेटा। चैट बॉक्स में भी मत डालो, बाकी एक मिनट रुकिए जरा, चैट बॉक्स में क्या कह रहे हैं। हाँ ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने थर्ड टर्म कैलकुलेट करके डाली हुई है, वेरी गुड। तो अब पॉइंट देखिए, अब देखिए इतनी टर्म्स हैं 500 टर्म्स, यहाँ पर कितनी है, कॉमन टर्म कितने तक आएंगी, यहीं तक आएंगी, क्योंकि ये T50 500 टर्म की पोजीशन पे ये वाला नंबर आ रहा है,
यहाँ पर ये आ रहा है, तो दोनों में कॉमन तो इससे छोटी होगी ना, या ये हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू जो है लास्ट टर्म जो है हम ये सोचेंगे कि जो हमारी कॉमन टर्म आएगी, जो हमारी इसकी लास्ट टर्म आएगी, ये इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, टी एन दैट इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी है, पर हम उसको निकाल सकते हैं, यस, इन टू डी। डी आपके पास कितना बनेगा इसमें, 35, और ये लेस देन हो जाएगा 2094। इक्वल टू भी लिख लेते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, देखते हैं ना, अगर एन होल नंबर आएगा तो इसका मतलब इक्वल टू है, ठीक है। तो अब टी एन से बता दो, टी एन लिखो, ये आ गई ना बेटा, नई ए पी आ गई, आपका ये काम खत्म हो गया, न्यू ए पी आ गई इसमें, ठीक है। बताओ यहां तक समझ आया, ठीक है बेटा, इसके अंदर ये न्यू एपी आ गई, उन दोनों का काम खत्म हो गया, आपने उन दोनों एपी में से कॉमन टर्म्स निकाल ली, वो कॉमन टर्म्स निकाल के हमारे पास नई एपी बन गई। जब नई एपी बनी तो आपके पास जो इसके अंदर ये टर्म थी, अरे आप और वीडियो में देख लेना ना दोबारा से, चलिए एक बार और बताते हो, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि आपने क्या करना था, उसने आपसे पूछा हुआ था क्वेश्चन में, उसने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बतानी है आपको कि कितनी है, कितनी नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स है। दूसरा आपको ये बताना है कि लास्ट कॉमन टर्म कौन सी है, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई तो टी एन निकाल लेना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो मैंने ये कहा कि इन दोनों का काम खत्म हो गया जब हमने इन दोनों में से वो टर्म्स निकाल ली जो कि कॉमन थी, वो क्या थी, ये दिस इज योर न्यू एपी, ये जो है This is, मैंने देखिए मेंशन भी किया है, न्यू रिक्वायर्ड एपी है, ये देखिए जरा ये चीज मेंशन की है, ये एपी है। फिर मैंने आपसे ये कहा कि अगर इसमें लास्ट टर्म 2497 है और इसमें 2094 है ना, तो कॉमन जो टर्म आएगी वो तो इससे छोटी होगी, इसमें से तो कोई नहीं हो सकती। अब ये थोड़ी है कि इसमें टर्म्स ही 2094 तक आ रही है, तो 2497 का तो हमारा कोई काम ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। तो फिर इसका मतलब हमारी जो टी एन होगी वो 2094 के से छोटी होगी, बराबर भी हो सकती है, हो सकता है 2094 जो है वही लास्ट टर्म हो, दोनों की कॉमन की वो चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। तो आपने यहाँ से टी एन की वैल्यू निकाली, टी एन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, कौन से वाला टी एन है, ये नया टी एन है, इसको टी डैश लिख लेते हैं क्योंकि मैंने स्मॉल टी यहाँ यूज किया, कैपिटल टी बच्चे मैंने यहाँ यूज किया है, यहाँ मैं टी डैश यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब आप एन की वैल्यू जब निकालेंगे इसमें, तो ये देखिए एन आपके पास हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, दिस विल कम आउट टू बी 60.2 आ रहा है, एक बार भाई आप चेक करना, क्रॉस वेरीफाई करना, 35 एन है, माइनस 35 और 22, ठीक है, तो 60.2 आ रही है, ठीक है। क्षितिज कह रहा है ठीक है, वो मुझे भी आइडिया है कि ऐसा ही होना चाहिए, यही आएगा। अब देखिए n जो है वो लेस देन इक्वल टू 60.2 है, इसका मतलब n जो है वो ये तो नहीं है क्योंकि n डेसिमल्स में आ गया, तो n जो है वो क्या होना चाहिए, n जो है वो क्या आ गया, 60 आ गया। आप n को क्या लेंगे, 60 लेंगे, इसका मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो इन दोनों में कॉमन है, 60 नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब 22 से शुरू होकर 35 के गैप पर कितने टर्म्स हम लिख सकते हैं, 2094 के अंदर 60 टर्म्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, लास्ट टर्म आप में से किसी ने निकाल भी दी है, टी एन, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेती हूँ, टी डैश लास्ट टर्म पूछी है उसने, और वो क्या होगी, टी डैश 60, इसका a देखिए क्या है, 22, 60 माइनस 1 इनटू d क्या था बच्चे, 35, तो यहां से ये हमारे पास क्या आ गया, 22 इनटू 59 सॉरी प्लस 59 इनटू 35, तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, हमारे पास आना चाहिए 2062 आना चाहिए थे। नहीं मैंने ये क्या दे रहे हो बेटा, 2062 आना चाहिए, एक बार दोबारा से देखिए कैलकुलेट करके, थाउजेंड्स में तो नहीं आएगा ना, 2000 के आसपास ही आएगा, हाँ चेक कर लो एक बार, 2065 कभी जो भी है सब लोग दे चुके, अभी आप तीन चार लोग ही एक्टिवेट होते हैं, बाकी सब सो रहे हैं क्या, चलिए ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं उसमें आपको मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कैसे कॉमन टर्म्स हमें निकालनी है, तो दोनों की कॉमन टर्म में एलसीएम आपने लेना है,
ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट। एक ये पॉइंट हमने ए बी के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, तो ये पॉइंट भी ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन एक बार फिर से ये हमने टेंथ में भी किया हुआ पॉइंट, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, ठीक है। अच्छा अब देखिए आप ही नेक्स्ट, मैं आपको बता रही हूँ कि ये पॉइंट भी आपको पता है। क्या पता है? आपने एक फॉर्मूला किया था, हम वो फॉर्मूला जनरेट कर देंगे कैसे। अब देखिए ये चीज भी यूज हो जाती है। सपोज आपके पास है एस फाइव ले, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है एस फाइव, एस फोर ले रही हूं मैं, एस फोर अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर। ठीक है, एक पॉइंट देखिए यहां से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एस फाइव माइनस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री ए फोर दैट इज इक्वल टू ए फाइव। That means I can write S5 minus S4 that is equal to A5 or you can write T5। तो ये relation आपने पढ़ रखा है 10th class में, आपने पढ़ रखा है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज आपने observe करी, T5 मतलब जब मुझे term निकालनी है तो हमने क्या किया, sum को minus कर दिया। मेरे कहने का मतलब अगर मुझे Tn निकालना है तो मुझे sum of n में से sum of n minus वन टर्म को माइनस करना पड़ेगा। ए फाइव कैसे आया? अरे एक बार देखो जरा, एस फाइव क्या है? ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव है। एस फोर क्या है? ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, इसका मतलब तो यही है। तो आपको ये रिलेशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि अगर एस फाइव है, ये सारे टर्म इधर लेकर आइए, लेफ्ट साइड पर लेकर आइए, ये देखिए लेफ्ट साइड पर जब मैं लेकर आई तो ये किसके बराबर है? ए फाइव के बराबर है ना ये। और ये क्या है? ए वन ए टू ए थ्री ए फोर क्या है? सो आई कैन रिप्लेस एस फाइव माइनस एस फोर दिस इज इक्वल टू ए फाइव। ए फाइव को आप टी फाइव भी लिख सकते हो, ए फाइव को आप टी फाइव लिख सकते हो। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे जब एन टर्म, सपोज मेरे पास एन टर्म का सम दे रखा है ना, टी फाइव एन टर्म सम दे रखा है, इस बार टर्म नहीं दे रखी, तो मैं उसकी हेल्प से टर्म निकाल सकती हूँ। तो ये भी आपने फॉर्मूला टेंथ में पढ़ा था, हालांकि यूज कम करते हैं काफी बच्चे, तो अब ये आपने ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। तो Tn का क्या मतलब है? दिस इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। बताइए ये क्लियर हुआ, समझ आया ये फॉर्मूला? अब देखिए आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये भी आपने किया था Bn An An माइनस 1 होता है ये फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है ना ए एन, जिन लोगों को ए एन में कंफ्यूजन है यू कैन राइट टी एन। चलिए मैं भी लिख देती हूँ यहाँ पर, ए एन की बजाय हम टी लिख देते हैं। अब देखिए क्या देख रहे हैं आप कि अगर हमें, जब हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए था तो हमने दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लिया, जब हमने टी एन निकाली है तो हमें कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऑफ टर्म्स का, मतलब एस फाइव में से अगर मुझे एस सिक्स चाहिए था, अगर मुझे टी सिक्स चाहिए तो मैं टी सिक्स माइनस एस सिक्स माइनस एस फाइव करूंगी, अगर मुझे T7 चाहिए तो मैं S7 माइनस S6 करूंगी। तो ये फॉर्मूला भी हमारा यूज होता है। एक क्वेश्चन लिखिए इससे रिलेटेड, किस तरह के क्वेश्चंस में ये हेल्प करेगा? देखो वैसे तो हेल्प करेगा न्यूमेरिकली, लेकिन थियोरेटिकली वाला क्वेश्चन जो है, जिसके अंदर ऑफकोर्स वो सीबीएसई का नहीं है, यही इसी लेवल का ही हो, मेंस का ही, ठीक है, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लिखिए 4S सीरीज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म किया हुआ है इसने, 4S सीरीज और 4n ab, ठीक है। अब उसने बोला द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn, Sn देखिए क्या दिया हुआ है, इट्स n स्क्वायर प्लस 4n, n स्क्वायर प्लस 4n, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है आगे, वो कहता है देन टेल दैट एपी नहीं है, इट्स अ फोर सीरीज, फोर सीरीज उसने ऐसा नहीं दे रखा है, वो कह रहा है कि प्रूव कर दो, बता दो कि इज दिस एपी और नॉट, इज इट एपी,
ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एपी है। मैंने आपको कल एक कंसेप्ट बताया था और वो चीज जो है आपको यूज करनी है। दो मिनट सोचिए, आप में से कितने लोग सोच पा रहे हैं, बताइए फिर क्या करना चाहिए इसमें। एपी के लिए मैंने आपको क्या बताया था? यस, बिल्कुल सही है ध्रुव, उसको यूज कर दो, लीनियर टर्म निकाल के उसको यूज करो। लक्ष्य, हाँ बेटा ये समझ नहीं आया लक्ष्य, शुड आई रिपीट दिस कंसेप्ट अगेन, बताइए एक बार। आपने लिखा हुआ है ये पाइप वाला क्लियर नहीं है, देखो जरा। जिनको समझ आ गया भाई वो ये क्वेश्चन स्टार्ट करें, जिनको नहीं आया ये बताइए। लक्ष्य, शुड आई रिपीट दिस थिंग, यस नो करिए। अच्छा यस, ठीक है। देखो मैं ये कहना चाहती हूँ, एक बार सुन लो इसको, ये पॉइंट क्या है, एपी नहीं है, डीएन की फॉर्म आ रही है। ऐसे नहीं करोगे ना आंसर में, ऐसे कैसे बताओगे पेपर में। अभी तो उसने सिंपल सा ये एग्जांपल दे दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, फिर कैलकुलेट करते हुए रह जाएंगे। राघव ने शायद ठीक आंसर किया है, मैंने आपको जो पॉइंट बताया था एक बार ये फिर से देख लीजिए। देखो रक्षा, ये चीज बताना चाहती हूँ मैं कि अगर हमें टीएन एस एन की फॉर्म में लिखने हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। कैसे बना ये बता रही हूँ। ये A1, A2, A3, A4, A5 का मतलब क्या है? T1, T2, T3, T4, T5 होता है ना। अगर आपने S5 लिखना है तो इसका मतलब पहली पांच टर्म का सम चाहिए आपको। S4 लिखना है तो अगली चार टर्म का सम मैंने लिख लिया, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इस तरह से S5 का क्या मतलब है कि स्टार्टिंग से लेकर A5 तक ऐड कर दो। S4 का मतलब है स्टार्टिंग से लेकर A4 तक ऐड कर दो, ठीक है। मैं इसमें आपके पास ये चीज निकाली कि अगर मैं A5 चाहती हूँ तो मैंने ऐसे कर दिया ना S5, और ये सारी टर्म मैं इस तरफ ले गई, दिस इज माय A5 अब ये क्या है आपके पास? S4 है। तो जब आपने S5 माइनस S4 किया तो आपके पास क्या रिजल्ट आया? A5 नहीं आया, A5 का मतलब T5। एक्चुअल में इसमें आप कर क्या रहे हो कि अगर आपके पास सम दे रखा है तो आप टर्म्स निकाल रहे हो, सम की हेल्प से आप टर्म्स निकाल रहे हो। तो यहां से देखो, जब मुझे T5 चाहिए था तो मेरे पास क्या आया? S5 माइनस, ठीक है, मैं है AP है, ये सही कह रहे हो, पर आपने कौन से बेसिस पे बोला है ये भी बताओ। इसी तरह से यहाँ पे देखो T5 क्या आ गया, S5 माइनस S4। तो मैंने यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया कि इसी तरह से अगर आप TN निकालना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, लीनियर की प्रॉपर्टी आपने उस क्वेश्चन में प्रूव कर दी। ये आ गया SN माइनस SN माइनस 1, ये आपका TN आया है, ठीक है। और भी जनरल फॉर्म में चाहते हो तो और जनरल फॉर्म के अंदर इसमें यही रहेगा कि मैं अगर SN लिख रही हूँ तो देखो क्या हुआ, A1 A2 एंड सो ऑन अप टू AN। SN माइनस 1 लिख रही हूँ तो वो क्या होगा, A1 A2 एंड सो ऑन AN माइनस 1। अब एक बात बताओ, इसको क्या हम लिख सकते हैं, दिस इज SN इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको अगर आप देखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, SN को हम ऐसे लिख सकते हैं A1 plus A2 एंड सो ऑन AN minus 1 plus AN, ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है, SN minus 1 है, तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए SN this is equal to, ऊपर की तरफ जा रही हूँ मैं, SN minus 1 plus AN। तो AN फाइनली क्या आ गया आपके पास, इट्स SN minus SN minus 1। तो ये फॉर्मूला है आपको जो जनरेट करवाना है। अच्छा चलिए, अब ये देखिए एक बारी, अभी भी क्लियर नहीं हुआ भाई तो व्हाट्सएप पर पूछ लेना, फिर इसको रिपीट बार बार, अब वही चीज मैं बता चुकी हूँ, आप एक बार वीडियो में देखिएगा, तो अगर नहीं क्लियर होता फिर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास है SN is equal to N² plus 4N, उसने इसके बारे में पूछा। अच्छा कबीर, ये आपने क्या किया, आपने तो ए और डी निकाल दिए, नंबर ऑफ नहीं बच्चे, ऐसे तो नहीं निकल पाएंगे ना। हाँ बाद में निकल जाएगा, T1 T2 के बाद, T1 फर्स्ट टर्म आ गई, बिल्कुल सही। चलिए अब इसको देखते हैं, वो कहता है इज इट एपी। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट लेक्चर में, क्या बताया था? हाँ शिद्या जी, इस तरह से कॉमन डिफरेंस वाले मेथड से
कॉमन डिफरेंस से फिर कर सकते हैं। हाँ, पहले आप टी एन निकालेंगे तब करेंगे आप। अब ये देखो एस एन ये था आपके पास, तो एस एन माइनस वन अगर मैं निकालूंगी तो वो क्या होगा, एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर इंटू एन माइनस वन, ये होगा। अब ये चीज आपको क्लियर है कि टी एन होता क्या है इन टर्म्स ऑफ एस एन, जब हमें उसे लिखना है तो वो आपके पास क्या होगा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन होगा, टी एन इज इक्वल टू। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो जब आपने इसको वैल्यू पुट करी तो एस स्क्वायर फोर एन माइनस, अब देखिए ये मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर एन है तो एन है, यहाँ एन माइनस वन है तो एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एन माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर, गलत कर दिया हमने, प्लस है भाई यहाँ पे, प्लस दिखे प्लस फोर एन माइनस वन। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिए, एस एन माइनस ये डी एन आ गया, देखिए लीनियर बन गया ना, ठीक है। लीनियर बनाकर देखिए जरा क्या आ रहा है, फोर ये रहा आपका माइनस माइनस टू, कितना अच्छा आएगा भाई, टेन एन माइनस फाइव कुछ ऐसा, एन स्क्वायर प्लस फोर एन लिखा था मैंने, एन स्क्वायर प्लस फोर एन, बताइए जरा यही आ रहा है, एन स्क्वायर प्लस फोर एन माइनस, अच्छा ठीक है मैं पहले ठीक किया था, क्या माइनस का साइन जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस आ गया ये प्लस, चलिए अब ठीक है करेक्ट कर लीजिए एक बार ही, क्योंकि माइनस आपका कॉमन था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने माइनस अप्लाई किया, ये माइनस का साइन था कैंसिल हो गया, ये माइनस वन और ये माइनस प्लस हो जाएंगे आपके पास सिक्स हो गया, और ये हो गया आपके पास टू एन प्लस थ्री, देखिए ये आया सब चेक करिए एक बार, टू एन प्लस थ्री आ रहा है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, अब ये आपको अगर पता होगा कि इसकी जो nth टर्म होती है, मैंने बताया था क्या पहचान है ap की, कि उसकी tn टर्म निकाल के देखो वो क्या होगी, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर किस में होगी, वेरिएबल में, वेरिएबल कौन सा है n, ठीक है। तो आप क्या कह देंगे कि ये ap है, ठीक है। हाँ जी बच्चे क्लियर है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई अब हमें ए बता दो डी बता दो, तो आप कुछ भी बता सकते हो इसमें। अब आपको पता है टी वन आप निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, फाइव, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, फाइव, ठीक है। अब आपको डी चाहिए, हाँ जी ठीक है, चलिए अब आप डी चाहिए तो डी भी आप निकाल सकते हो, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ये, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखिए, और भाई एपी की बुकलेट कर लीजिएगा, मैं आज आपको भेज दूंगी पीडीएफ, शुरू के आपका पहला पेज कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। लिखिए भाई सम ऑफ टर्म्स ऑफ टू एपीज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको शॉर्टकट भी बताऊंगी और लंबा मेथड भी बता दूंगी, दोनों चीजें बता दूंगी कि कैसे आपने अप्लाई करना है। तो लिखिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपी, अब देखिए ये सम से शुरू हो रही है, ये भी सम था, यहाँ पर सम था, हम टर्म पे आए, अब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उसमें भी सम है, फिर वो टर्म मांगेगा आपसे क्वेश्चन में, वो क्या कहता है लिख लीजिए क्वेश्चन, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपी, ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ एस एन सेवन एन प्लस वन is to 4n plus 27, एक बार भी कंफर्म करने दो, हाँ 4n plus 27, वो कहता है sum of n terms of 2ap, चलो ये मैं छोटी वाली ap ले लेती हूँ और ये कैपिटल ले लेती हूँ, आई थिंक यू कैन डिस्टिंग्विश ना, है ना, ऐसा लिख लेते हैं और लिख लेते हैं sn, small sn, you are getting a ap, ap लिख लीजिए जिसके अंदर हम लिख लेते हैं small a, a plus t, ए प्लस टू डी एंड सो,
कैपिटल एस एन जो लिखा है वो मैंने इस एपी के लिए लिया जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कैपिटल ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन. ठीक है बेटा, तो अब देखिए ये क्वेश्चन है. अब इसके अंदर आपने क्या देखा, क्या चीज ऑब्जर्व करिए. ठीक है भाई, अब मैसेजेस अब बाद में, मुझे दो मिनट ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने दीजिए फिर बता देना. ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या है, एस एन और कैपिटल एस एन ये दिया हुआ है और वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इलेवेंथ टर्म. उनकी इलेवेंथ टर्म की रेशियो निकालिए. दैट मीन्स ही इज आस्किंग फ्रॉम यू टी एन टी इलेवन एंड कैपिटल टी इलेवन, इसका रेशियो पूछ रहा है क्या है. ठीक है, अब ये चीज उसने दे रखी है और आपको ये चीज बता दी. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए एस एन का. ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल है, इसमें क्या है, कैपिटल ए. ये क्या है आपके पास, स्मॉल डी. ये क्या है, हाँ बिल्कुल, अभी आपको वो तो फॉर्मूला ही है, उसको याद कर लीजिएगा. शॉर्टकट भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, लॉन्ग कट भी ले लीजिए, क्योंकि लॉन्ग कट नहीं आएगा फिर वो समझ नहीं आएगा, याद नहीं कर पाओगे उसको. ठीक है, अब ये आपके पास है एस एन एन बाय टू. बताइए यहां तक सबको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चले कैंसिल ही कर दो. हाँ कबीर, क्या कह रहे हो आंसर, सेवन बाय फोर. नहीं भाई, नहीं भाई, ये भी ठीक नहीं है. उसने पूछा है टी इलेवन अपॉन कैपिटल टी इलेवन का रेशो पूछा है उसने. चलिए अब देखिए मैं बता रही हूँ इसमें. हाँ राघव ठीक है, फोर बाय थ्री. राघव तुम कर चुके हो ये क्वेश्चन, क्योंकि इतनी जल्दी निकल नहीं सकता है, पांच मिनट तो लगेंगे, दो मिनट लगेंगे, है ना. हाँ चलिए अच्छा है. अब देखिए इसके अंदर क्या रहा है, बताया फोर बाय थ्री, हाँ फोर बाय थ्री ही आ रहा है. अब आपको रिक्वायर्ड क्या है, एन जो है वो 21 आना चाहिए, आई थिंक 23 नहीं. अच्छा चलिए पहले करवाने दीजिए फिर देखते हैं. अब इसमें क्या है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपके पास है. लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो टी इलेवन चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड क्या है, एक बार नजर मारिए, रिक्वायर्ड क्या है, आप चाहते हैं, आप ये चाहते हैं ए प्लस टेन डी. यहां पर भी आप क्या चाहते हैं, ए प्लस टेन डी, ये चीज आप चाहते हैं. ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो यहां पर ये टू ए मुझे परेशान कर रहा है, तो क्यों ना हम इसको टू से डिवाइड कर दें. इसको जब आप टू से डिवाइड करोगे, टू कॉमन ले लो या टू से डिवाइड कर दो ऊपर भी और नीचे भी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू डी, वन बाय टू, टू कॉमन ले लीजिए. चलिए ऐसे करें, टू कॉमन ले लेते हैं इसमें से, यहाँ भी टू कॉमन ले लीजिए, ए प्लस एन माइनस वन वन इंटू डी. ठीक है बच्चे, ये कर लिया आपने, ये कैंसिल हो गया. यहां पर आपके पास ये किसके बराबर आ गया, सेवन एन प्लस फोर एन प्लस 27. इसका मतलब अगर आपको, अब आप देखें तो ये आपको 10 बनाना है. ये 10 बनाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, इसका मतलब ये 10 होना चाहिए ना, तभी हमारे पास. अगर मैं इसको 10 लिख दूं तो यहां पर जो रेशो आएगी वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी आपके पास, टी टेन, कैपिटल टी टेन वाली. तो उसको बनाने के लिए यहां से आपके पास आ जाएगा 21, एन इज इक्वल टू क्या आएगा, 21. क्योंकि अगर आप इसको 10 लेंगे, इसको n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 21. क्योंकि आपने इसको 10 लेने के बाद ही n की वैल्यू जो है वो क्या निकाली है आपने, इट्स 21. तो वो यहाँ पर 21 पुट कर दीजिए, तो यह आपके पास क्या बन जाएगा, a प्लस 10d. अब यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू 21, यहाँ डालकर देखिए 10 बन रहा है. कहां से आया एन, वो मैंने 21 कहां से इंटरप्रेट किया, जो मुझे चाहिए था
मुझे क्या चाहिए था, ए प्लस टेन डी चाहिए था मुझे, तो यहाँ टेन डी होना चाहिए ना। ये टेन डी होने के लिए एन को क्या होना पड़ेगा, 21। कहाँ से निकाला है, यहाँ से। तो एट एन इज इक्वल टू 21 आपने ऑब्जर्व करा कि ये आपके पास और ये भी आपके पास ए प्लस टेन डी बन गया। और यहाँ पर आप लिखोगे 7 इंटू 21 प्लस 1, 4 इंटू 21 प्लस 27। देखिए कटिंग करेंगे तो 4/3 आ, ठीक है। बताइए यहां तक समझ आया? तो फिर अब इसका लास्ट शॉर्टकट, इसका आपको आइडिया दे रही हूं मैं कि शॉर्टकट जो है वो क्या होगा, ठीक है। क्षितिज, इज इट क्लियर? कबीर, आप देखो 7/4 दे रहे हो, लक्ष्य आप लोग, अब आप चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब इतना बड़ा क्वेश्चन जो है मेंस में तो नहीं करेंगे हम, तो मेन पॉइंट आपने क्या देखा, मेन पॉइंट आपके पास n माइनस, सपोज मुझे tm टर्म चाहिए थी, tm टर्म चाहिए थी मुझे, सपोज है ना, यहाँ पर जैसे यहाँ 11th टर्म थी, वैसे मैं उसको m ले लेती हूँ, तो मुझे tm अपॉन tm का रेशियो चाहिए था। इसका मतलब मुझे क्या करना है, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 को m लिख लेना है। तो m को मुझे किससे रिप्लेस करना है, 2m माइनस 1 से, बस इतना सा काम मुझे करना है। तो ये आपको याद रखना है, सेवन एन कैसे आ रहे हैं बेटा, उसको यूज ही क्यों कर रहे हो, वहां वो सिचुएशन नहीं बनेगी ना, 7n+1 और इसकी वैल्यू आप ऐसे तो यूज कर नहीं सकते, हमारे पास a और d तो है ही नहीं। चलिए एक बार लेट मी कंप्लीट, ये शॉर्टकट बताने के लिए, फिर मीटिंग एंड करने से पहले मैं आपसे बात करती हूँ। अब ये देखिए n इज इक्वल टू 2m-1 आ गया, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनिए, ये क्वेश्चन हम आपको, मैंने ये फॉर्म बता दिया है, अब उसने पूछा कौन सी टर्म चाहिए, यस ये आपने याद रखना है, 2m+1 सही, 2m+1, ठीक है। तो बच्चे ये शॉर्टकट है, अब ये शॉर्टकट क्या है कि उसने आपसे पूछा था कि टी मेरे को 11 बता दो, हाँ बिल्कुल, आप क्या करोगे यहाँ पर 11 पुट करके देखोगे तो n आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 11+1 -1 बन रहा है भाई, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा था, ये फॉर्म जो है वो आपके पास कौन सी बनेगी, 2m-1 की बनेगी। हम आप कुछ गड़बड़ कर गए, n माइनस 2, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, m टर्म है ना, हाँ यहाँ पर ये गलती हो गई, m टर्म है तो m माइनस 1 लिखेंगे आप। एक देखिए चेक करिए, जैसे कि t 11 लिखना है, t m है ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए, m माइनस 1। बच्चे 11 पूछा था तो 10 लिखा था, 11 पूछा था तो यहाँ पे 10 लिखा था, यहाँ पर उसने क्या पूछा, मैंने कहा कि m टर्म का रेशो, तो यहाँ तो m माइनस 1 आएगा, यहाँ m माइनस 1 आएगा, तो यहाँ 2m-1 ही आएगा, क्योंकि मुझे याद था कि ये 2m-1 ही है, इसलिए पकड़ा गया डाउट, गड़बड़ पकड़ी गई। तो अब देखिए, अब जब आप इसको पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका n क्या आ जाएगा, 21। आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने मेन पॉइंट क्या करना है, आपने सिर्फ इसमें ये 21 ही तो डाल दो शॉर्टकट के अंदर, आपको ये सब तो करने की जरूरत नहीं पड़नी, अरेंज भी नहीं करना, आपको सिर्फ इतना उसने बता दिया कि मुझे 11th टर्म चाहिए, तो आपने सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है कि भाई 11th टर्म चाहिए, ठीक है, 2m-1 से रिप्लेस कर दो, किससे, 11th टर्म, m 11 है, वो 21st टर्म पूछता तो m को किससे रिप्लेस करते, 20 से रिप्लेस करते, ठीक है। यहाँ पर तो ये आपने पॉइंट जो है ये ध्यान रखना है, वो आपने यहाँ करना है, तो ये सब काम करने से बेटर डायरेक्ट इसको याद रखो 2m-1 यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या गया, n इज इक्वल टू 21। बच्चे क्लियर है ये, ठीक है बेटा। अब मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, तो आप देख लेना इसका ये शॉर्टकट ही डायरेक्ट हम याद रख लेंगे,
और नहीं आएगा ध्रुव, ऐसे नहीं आएगा, 2m माइनस 1 ही करते हैं आप, बस ये याद रखना कैसे आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। याद आपको ये रखना है कि कौन सी टर्म चाहिए, बस उसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस 1 कर दीजिए। ठीक है बच्ची, ओके मैं एंड कर रही हूँ।